Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. 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 Praise you, Jesus. Praise your name. Holy Jesus, praise your name. Holy Jesus. Praise your name. Holy Jesus. Praise your name. Holy Jesus, praise your name. Holy Lamb of God, we bless you. Bless you. Bless you, bless you, bless you. Bless you. Bless you. Bless you, Jesus. Bless you, Jesus. Bless your holy name, Jesus of Nazareth. Bless your holy name. 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 Thank you, Jesus of Nazareth. 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 Jesus of Nazareth. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Brother Raman Khanji and the people of the Lord congregated in your house. Sabko Jai Yeshu Masih Ki. Hallelujah. And the house church in Shimla, Jai Yeshu Masih Ki. Hallelujah. Aayye hum Prabhu ki aradhana kare kuch pal. स्तुति गान करें प्रभु का. हालेलुया हालेलुया. मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे. मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे के आओ यहोवा दे कर चलिए. के आओ यहोवा दे कर चलिए. मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे ऐ यरूशलम तू
खुदावंद शहर यरूशलम तू, खुदावंद शहर तेरे बुया विच हुण खड़े साडे पैर, तेरे बुया विच हुण खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे। हालेलुया। Father, we come into your holy presence through the sacred blood on the cross of Calvary. Priceless, peerless, most precious blood that flowed in the veins of Emmanuel was so lavishly spilled out for our redemption. For we are the purchase of his blood. We are redeemed not by corruptible things such as silver and gold, but we have been redeemed by the precious, precious, precious blood of the Lamb. So I invoke that blood over your people. Lord, I invoke that blood. उसी खून की कुदरत को मैं खोलता हूँ। यीशु मसीह राहुल गिडियन पे, मंजीत मसीह पे, डॉली बंसल पे, तारा बंसल पे। हालेलुया, हालेलुया। शाह पे, आइरीन खान पे कनाडा से, और खुदावंद यीशु मसीह उसी खून की कुदरत को खोलता हूं। बेन सिबरान पे कनाडा से आपके दास पे खून को खोलता हूं, लहू की कुदरत को खोलता हूं। बेन सिबरान पे उसी लहू की कुदरत को खोलता हूं। लॉर्ड, आई प्लीड दैट सेम प्रेशियस ब्लड ओवर योर पीपल, same precious blood over Lena Davidson, over Neha Narula, over Minu Sood, over Tanuja Seth, over Geeta Masih. I plead that precious blood over Brother Raman Khan, over Brother Raman Khan's wife Reena Khan, his daughters, his mother, over Brother Lalit Mehra, over Brother Prakash Bharti, over Brother Abhishek Mohan, over Brother Abdul Khan. I plead the blood over Rashpal Simak. I plead the blood over Sunita Carol James. I plead the blood. Hallelujah. Hallelujah. मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? Hallelujah. आवाज आ रही है या नहीं? Can you all hear me? Please let me know. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। प्रभु, मैं तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ तेरे सभी लोगों को, तेरे खून के साए के नीचे, तेरे खून के साए के नीचे। लॉर्ड, आई ब्रिंग एवरीवन अंडर योर ब्लड, अंडर योर ब्लड, अंडर योर ब्लड। तेरे तेरे लहू की धार में यीशु धुलते गुनाह के दाग, तेरी मोहब्बत भरती मेरे दिल में रूह की आग। तेरे लहू की धार में यीशु धुलते गुनाह के दाग। Shall I try without these earbuds? इनके बिना मैं try करता हूँ। Wait a second. हालेलुया। अब आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? कैन यू ऑल हियर मी? हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। कैन यू ऑल हियर मी? आप सबको मेरी आवाज आ रही है? प्लीज लेट मी नो। ओके, यस। ये गीत मैंने लिखा था और मैंने गाया भी है, इसको दोबारा हम रिकॉर्ड करेंगे। तेरे लहू की धार में यीशु धुलते गुनाह के दाग, तेरी मोहब्बत भरती ही मेरे दिल में रूह की आग। ऐसे छुआ तूने मन को मेरे,
दिल में कैसी अग्न लगी, तेरी लगन लगी यीशु, तेरी लगन लगी मेरे रूह में, ये कैसी तेरी प्यास जगी, मेरी जिंदगी मेरे यीशु तेरे नाम मनसू, मेरी जिंदगी मेरे यीशु तेरे नाम मनसू, मेरा इश्क मेरी पहली मोहब्बत तू मेरा महबूब, मेरा इश्क मेरी पहली मोहब्बत तू मेरा महबूब, तन मन पिघले प्यार में तेरे, तन मन पिघले प्यार में तेरे, रूह की लगे जब अगन अगन तेरी लगन लगी यीशु, तेरी लगन लगी मेरे रूह में यीशु, कैसी प्यास जगी, आवेगा वो लेने मुझको आसमान में मेल, आवेगा वो लेने मुझको आसमान में मेल, मेरे बदन की कुप्पी में तू भर दे रूह का तेल, मेरे बदन की कुप्पी में यीशु भर दे रूह का तेल, तेरी दुल्हन इंतजार में, तेरी दुल्हन इंतजार में, दिन रैन लगी अब जगन जगन तेरी लगन लगी यीशु, तेरी लगन लगी तेरे रूह की यीशु, कैसी प्यास जगी, तेरे रूह की दिल में कैसी प्यास जगी, यीशु की प्यास जगी, यीशु तेरी प्यास जगी, यीशु तेरी प्यास जगी, रूह की प्यास जगी। हालेलुया। Father, let your Holy Spirit move as we meditate on your word. Let your Holy Spirit rightly divide your word. Lord, let the eyes of many be opened up. Let the hearts open up to receive your true, uncorrupted, infallible, untwisted word of the Lord. Hallelujah. Yeshu Masih ke jalali naam mein. Amen. जो विषय मैंने शुरू किया है, द सब्जेक्ट दैट आई बिगैन, इट इज अ वेरी कंट्रोवर्सियल सब्जेक्ट। इट इज अबाउट ऑल पेगन फेस्टिविटीज दैट क्रेप्ट इनसाइड द चर्च। वो सारे अन्य जातियों के पर्व, मेले और शैतानी त्योहार जो कलीसिया के अंदर घुसे, और कैसे उन्हें कलीसिया मनाती है, और कैसे जो पर्व परमेश्वर के हैं उन्हें कलीसिया ने मनाना बंद कर दिया। तो ये सीरीज चलेगी जिसके ऊपर मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा। मैं इतिहास हिस्ट्री में से आपको सिखाऊंगा, आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान में से आपको सिखाऊंगा, लिंग्विस्टिकली भाषाओं के अर्थ में से हम सीखेंगे। We will study different cultures and different civilizations, and we will see scriptures into the light of those cultural and linguistic variations, and we will also delve deeper etymologically. Word pe study karenge, and we will also look into the scientific aspect. To sab cheezon ka samanvay karke Parmeshwar ke vachan ko hum seekhenge. To main aapko batana chahta hu, बाइबल में एक प्रोमिनेंट शिक्षा है, डैनियल चैप्टर नंबर 9 वर्सेस 24-27। इज़राइल वाज सेंट इन द लैंड ऑफ एग्जाइल फॉर 70 इयर्स। परमेश्वर ने इज़राइल को 70 साल के लिए, जिसे हम कहते हैं बनवास, भेज दिया, असीरी में भेज दिया। और इज़राइल को हम देखते हैं, अगर आपने बाइबल समझनी है तो इज़राइल समझिए,
क्योंकि प्राइमरली द बाइबल रिवॉल्व्स अराउंड इज़राइल. इफ यू अंडरस्टैंड इज़राइल देन यू विल अंडरस्टैंड द होल प्लान ऑफ द ऑलमाइटी. तो परमेश्वर ने, आपको मालूम, इज़राइल के संग वाचा बांधी. गॉड मेड कवेनेंट विद इज़राइल. परमेश्वर ने इज़राइल के संग ऐसी वाचा बांधी है जो परमेश्वर ने किसी के संग नहीं बांधी. इज़राइल एंजॉयज सच एन अनपैरेलल्ड रिलेशनशिप विद गॉड ऑलमाइटी दैट नो अदर नेशन ऑन दिस प्लेनेट हैज. तो मैं आपको पढ़ के कुछ वचन बताना चाहता हूं. अभी उसमें जाना मेरा विषय नहीं है, मैं एक और सब्जेक्ट की ओर जाना चाहता हूं. लेकिन टू ले द फाउंडेशन लेट मी रीड दैट. दिस इज फाउंड इन रोमन्स, रोमियो की पत्री, उसका 9 अध्याय. यहां पे पॉल द अपोसल एक प्रार्थना करता है. पलूस एक ऐसी अनूठी प्रार्थना करता है जो कोई साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता. परमेश्वर के दो भक्तों ने यह प्रार्थना की, एक मोसेस ने, दूसरा पॉल द अपोसल ने. वो क्या प्रार्थना है? मोसेस ने इज़राइल के लिए प्रार्थना की कि परमेश्वर आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से निकाल दें, बट बी मर्सीफुल टू इज़राइल. प्रभु अगर ये हो सके कि आप मेरा नाम जीवन की पुस्तक में से मिटा दें, पर इज़राइल पे कृपा करें, दया करें. दीज आर कॉल्ड इंटरसेसरी प्रेयर्स, मीडिएटरी प्रेयर्स. दीज आर वेरी डीप एंड प्रोफाउंड प्रेयर्स. नॉट एनी टॉम, डिक एंड हैरी कैन प्रे दीज प्रेयर्स. पॉल द अपोसल इज ऑल्सो प्रेइंग. पॉल इज सेइंग, आई विश फॉर आई कुड विश दैट माई सेल्फ वर अकर्स्ड फ्रॉम क्राइस्ट फॉर माई ब्रदरन माई किन्समैन अकॉर्डिंग टू द फ्लैश. मेरे भाइयों के लिए जो मेरे लहू और मांस का हिस्सा है, उनके लिए मैं श्रापित हो जाऊं. हु, क्या कहता फोर्थ वर्स में, हु आर इज़राइलाइट्स, जो इज़राइली हैं. अब सुनिए ध्यान से, अनटू हूम परटेनेथ द अडॉप्शन. अडॉप्शन का मतलब लेपालक पुत्र परमेश्वर ने केवल इज़राइल को बनाया है. परमेश्वर ने इज़राइल को कहा, इज़राइल इज माई फर्स्ट बॉर्न सन, इज़राइल मेरा पहलौठा है. द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन एंड द स्पिरिट ऑफ सनशिप वॉज ओनली बेस्टोड अपॉन इज़राइल. यहोवा ने केवल इज़राइल के ऊपर लेपालक पुत्र होने का आत्मा भेजा. और आगे लिखा, एंड ग्लोरी, जलाल जो है वो परमेश्वर ने इज़राइल को दिया. जलाल, ग्लोरी, डॉक्सा, शेकाइना, खबाद हिब्रू में, इट वॉज बेस्टोड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, केवल इज़राइल को दिया. एंड कवेनेंट्स, ये वाचाएं, दीज कवेनेंट्स. मालूम कवेनेंट का मतलब क्या है? गॉड एंटर्स एन एग्रीमेंट विद यू. God Almighty cuts a covenant with you. Covenant के लिए word है berit. Berit का मतलब होता है ऐसे काटना. पुराने समय में यहां से रिस्ट काटते थे लोग दो अपनी, और ऐसे अपना ब्लड मिला देते थे. God, eternal God, who is spirit, अनंत परमेश्वर जो आत्मा है, वो मानव बना. Acts of the Apostle 20:28 में लिखा है, The blood that was in the body of Jesus was the blood of Yahweh. Eternal, ageless, almighty God, the creator of the universe. He created divine blood in the body of Jesus. Through that blood, he shed that blood so that he may enter into a blood covenant with you and me. Yeshu Masih is prithvi pe dharm chalane nahi aaya, dharm banane nahi aaya. Yeshu Masih मरियम की कोख में एक ऐसी देह तैयार की गई. यीशु मसीह कहते हैं इब्रानियों की पत्री में, होम बलि और मेल बलि से परमेश्वर तू प्रसन्न नहीं होता. सैक्रिफाइसेस दिए जाते थे पुराने कवनेंट में, लेकिन परमेश्वर कहता, क्या मैं तुम्हारे बैलों का, सांडों का, बकरों और छत्रों का लहू पीऊं? लहू बहाया जाता था जानवरों का, लेकिन जानवरों का खून मनुष्य के खून से इन्फीरियर है. इसलिए एक लसानी खून की जरूरत थी, ब्लड दैट इज अनटेंटेड विद सिन. तो पृथ्वी पे आदम और आदम की जात का खून पाप से ग्रसित है. हमारा डीएनए, आरएनए पोल्यूटेड है पाप से. तो एक सेक्रेड प्रेशियस ब्लड चाहिए था. तो यीशु मसीह कहते हैं इब्रानियों की पत्री में, परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से आप प्रसन्न नहीं हुए.
एक शरीर आपने मेरे लिए तैयार किया है. फॉर जीसस द इटर्नल एजलेस गॉड जीसस वॉज नेवर क्रिएटेड. द वर्ड बिगॉटन सो मेनी पीपल मिसकंस्ट्रू that begotten is that Jesus was created. No, Jesus is ageless, eternal son of the most high God. He always existed with the father. वचन में लिखा है उन दिनों में जब उसने देह धारी इब्रानियों की पत्री में. That was the days when he took flesh and bones just like you and me. आपको मालूम बाइबल में लिखा है अखमीरी रोटी, एक ऐसी रोटी जिसमें खमीर नहीं है. और बाइबल बताती है जो खमीर है यीस्ट है वो पाप है. आप और मैं जितने आदम और हवा से पैदा हुए इस पृथ्वी पे आए, वो नबी हों या बड़े बड़े मजमों के पैरोकार हों, हूएवर द वर्ड, ऑल हु केम थ्रू एडम एंड ईव, थ्रू द डीएनए ऑफ एडम एंड ईव, दे ऑल वर ए लेवेंड ब्रेड. दे हैड द यीस्ट, दिस बॉडी इज द ब्रेड. And they all had the sinful yeast in their bodies. The only special, glorious, peculiar, peerless, flawless body that was created in the womb of Virgin Mary. Holy Spirit had to create that body in the womb of Virgin Mary. Holy Spirit came and forged, formed that body in the womb of Virgin Mary. Holy Spirit only took 23 chromosomes from Mary. And Holy Spirit put his seed, his glory, that body was created with the glory of God. That is the only unleavened bread. Jesus said, I am the bread that came from heaven that can give eternal life. The only bread if you eat will sustain you forever, that is the body of Jesus Christ. Basora, Hebrew mein kehte hain, basora, maas ko. Aapko malum, Parmeshwar ke gospel ko. You know what is the gospel called in Hebrew? Matthew, Mark, Luke, John. The gospel in Hebrew is called Basora. And flesh is also called Basora. So Matthew, Mark, Luke, John is the flesh of Jesus. If you eat, you will live forever. So a glorious body was forged in the womb of Virgin Mary. And Acts 20, verse number 28. Preriton ke kaam 20 ke 28 mein likha hai. The blood in that body was the blood of God. That blood was created out of God's DNA. Hallelujah. वो पारलौकिक खून है, वो स्वर्गीय खून है, वो अनंत खून है, वो खून कभी मरता नहीं. उस खून के क्रोमोसोम डीकम्पोज नहीं होते, उस खून खून के मॉलिक्यूल एवर लिविंग है. Hallelujah. आपको मालूम परमेश्वर ने जब मिट्टी का पुतला, when God created that statue of clay, he took little tiny clay and he fashioned it and he created a statue of clay. He created the eyes of clay, ears of clay, nose, lips, everything of clay. And he created inner organs with clay. There was no life in that statue. Then the eternal God stooped down and he blew his breath into the nostrils of that statue of clay. So the breath of God in Hebrew is neshama chayim. The breath of life. That is Ruhak. That is Pneuma in Greek. Wohi hai Pavitra Atma. From here, Neshama Chayim, the breath of God entered into the lungs of that statue of clay. Those lungs were made out of clay. But when the breath of God entered in, wo fefdon ne, fefdon ke andar jeevan aa gaya. Us dil ke andar, that heart was made out of clay, life came, it began to pulsate. The eyes that were created out of clay, light came. That first man whom God called Adam flipped his eyes and he saw his creator. Adam used to see Jesus because Jesus and Adam both were in the same class until sin entered. Hallelujah. तो आपको मालूम व्हाट गॉड कॉल्ड दैट फर्स्ट मैन? एडम. अलेफ दलित मेम. अलेफ मींस गॉड, दलित एंड मेम टू हिब्रू वर्ड्स, दामा मेक दामा. अलेफ इज गॉड, दलित एंड मेम दामा विच मींस ब्लड. सो वन पार्ट वाज गॉड, द अदर पार्ट वाज अर्थली ब्लड.
In first Adam, there was the earthly blood. In last Adam, the second man is the Lord from heaven. First man is out of the soil, out of the earth. But last man, last Adam, second Adam is the Lord from heaven. He has heavenly blood. Hallelujah. That blood was created so that he may cut a covenant with you and me. वो आपके और मेरे संग एक वाचा बांधे. आपको मालूम ये वाचाएं, these covenants, I'm reading from Romans chapter number 9 and verse number 3, who are Israelites, unto whom pertaineth adoption, God blessed them with sonship, and God bestowed upon them glory. In Greek, the word is doxa. In Hebrew, the word is shekinah and chabad. And covenant, और वाचा बांधी यहोवा परमेश्वर ने किनके साथ? इज़राइल के साथ. And giving of the law, व्यवस्था परमेश्वर ने इज़राइल को दी. And service of God, परमेश्वर की सेवा करने का वरदान केवल इज़राइल को मिला है. परमेश्वर ने किसी और कौम को, किसी और जाति को अपनी सेवा करने का वरदान नहीं दिया. परमेश्वर ने अपनी सच्ची ज्योति केवल इज़राइल को दी. परमेश्वर ने अपने सच्चे भेद केवल इज़राइल को दिए. परमेश्वर ने अपने सच्चे रेवलेशन केवल इज़राइल को दिए. ये वचन पढ़े. एंड प्रोमिसेस, अगला वचन है, और वायदे. आपको मालूम 6,000 प्रोमिसेस हैं इसके अंदर. आपके सर के बाल के लिए भी प्रोमिस है ब्रदर ललित मेहरा जी, बालों के लिए भी प्रोमिस है इसके अंदर. हालेलुया. 6,000 प्रोमिसेस. और कुरिंथियों की पत्री में प्रेरित पौलुस कहता है, ऑल दोज प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर ये एंड आमेन इन क्राइस्ट जीसस. हालेलुया. अब मैं आगे पढ़ता हूं वर्स नंबर 5. हुज आर फादर्स, पिता किनके हैं? पैट्रियार्क्स. किनको दिए गए? इज़राइल को. नू, हनोक, सेथ, एडम, इब्राहिम, आइजक, जेकब, इलाइजा, इलाइशा, मोसेस, एरन, जाशुआ, आइजाया, जर्माया, इज़िकियल, डैनियल, ओबदाया, जोना, माइका, नहूम, हबक्कुक, मलकाय, जॉन द बैप्टिस्ट, मैथ्यू, मार्क, लूक, जो बर्थोलोमियो, थैदियस, सब किनको दिए गए? बनी इसराइल को. उनके हैं पुरखे. हालेलुया. और लिखा है, अनटू हूम कंसर्निंग द फ्लैश क्राइस्ट केम, मसीह भी उन्हीं में से आया है. यीशु मसीह है यहूदियों का राजा. Who is over all? God blessed forever. Jesus is God blessed forever. So many people say, where is Jesus called God? Jaakir Nair sahab ko ye verse dikhaiye. English mein padhiye. Romans chapter number 9, verse number 5. According to whom Christ came, who is over all? God blessed forever. Amen. He is God. Aapko malum, 7 times Jesus says, I am the light of the world. I am the bread of life. I am the way, the truth, and Jesus says, I am the good shepherd, I am the way, the truth, and the life. And Jesus says, I am the bread of life, I am the light of the world, I am the door, I am the good shepherd. Every time Yeshu Masih jab I am kehta, main hu, main hu. Aapko malum Yeshu Masih kya bolte hain? Yeshu Masih bolte hain, haiya, asher haiya. Main jo hu, so hu. Yeshu Masih kehte hain, yod he, vav he. Yod heh vav heh means I am. Hallelujah. तो परमेश्वर ने वाचा, ये जो वाचा दी इसराइल को, अब सुनिए ध्यान से. एक वचन देना चाहता हूं आपको. पढ़िए मेरे साथ इज़िकियल 14 वर्स नंबर 21. इज़िकियल नबी की पुस्तक 14 अध्याय का 21 वचन. इज़िकियल 14:21. चार जजमेंट हैं, फोर जजमेंट, चार जजमेंट आएंगी. परमेश्वर कहता, अगर तुम मेरी वाचा तोड़ोगे, इस वाचा कवनेंट को तोड़ोगे, परमेश्वर कहता, इफ यू विल गो आफ्टर पेगन गॉड्स एंड गॉडेसेस, इफ यू विल बाउ बिफोर देम, इफ यू विल सर्व देम, इफ यू विल डू दोज अबोमिनेबल थिंग्स, फोर जजमेंट्स विल कम. प्रभु कहता, आई विल सेंड द सोर्ड, आई विल सेंड द फैमिन, आई विल सेंड द पेस्टिलेंस, एंड प्रभु कहता, आई विल सेंड द बीस्ट. प्रभु कहता है, मैं तलवार भेजूंगा, प्रभु कहता है, मैं अकाल भेजूंगा, प्रभु कहता है, मैं प्लेग भेजूंगा, मरी भेजूंगा, और प्रभु कहता है, मैं जंतु भेजूंगा, बीस्ट. मैंने आपको बताया कि ये जो बीस्ट है, जंतु है, बाइबल इनसे भरी हुई है. पढ़िएगा वचन को ध्यान से. अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे
तो बाइबल के अंदर बीस्ट आपको मिलेंगे, बीस्ट पूरी बाइबल में। इजिकियल दर्शन देखता है बीस्ट के, और डैनियल दर्शन देखता है बीस्ट के, यशाया दर्शन देखता है बीस्ट के, यहुन्ना जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा वो जंतुओं के बीस्ट के दर्शन देखता है। कौन है ये बीस्ट? लायन, शेर और चीता, लेपर्ड और रिच और बीस्ट विद आयरन टीथ, लोहे के दांत वाला जंतु। फिर बाइबल में देखता है कि एक जंतु है जिसके 10 सिर हैं, 7 सिंह हैं, 7 सिंहों पे 7 मुकुट हैं, उसके ऊपर एक औरत बैठी हुई है। फिर एक बीस्ट निकल रहा है जमीन में से जिसका नाम है अबदोन, जो अब जो कहां रहता है, बॉटमलेस पिट में, एबिस इंग्लिश का वर्ड है एबिस, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रीक वर्ड है अबसूस, 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 अबसूस का मतलब क्या है? द प्लेस ऑफ नो नॉलेज। आपको मालूम ग्रीक वर्ड है बिथास, बिथास का मतलब होता है प्लेस ऑफ ग्रेट नॉलेज, जहां पे लर्निंग है, जहां पे ज्ञान है, जहां पे समझ है, जहां पे बुद्धि है, वो जगह बेथास। इसके आगे अल्फा प्रिबिटिव, मैं आपको कई बार बताता हूं ग्रीक ग्रामर में अल्फा अगर आगे लगता है तो ये नेगेटिव पार्टिकल है। अल्फा प्रिबिटिव आगे लग के किसी भी शब्द को नकारात्मक कर देता है। बिथास का मतलब है ज्ञान की जगह, लेकिन जब अल्फा प्रिबिटिव लग जाता है तो यह बन जाता है अबसूस, जहां से वर्ड निकलता है अबिस, प्लेस ऑफ नो नॉलेज, जहां ज्ञान नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, जहां पे परमेश्वर की ज्योति नहीं चमकती, उस जगह। कौन है वहां पे? ये बीस्ट है। और एक बीस्ट ओशन में से निकल रहा है, प्रकाशित वाक्य में समुद्र में से निकल रहा है। तो बीस्ट क्या करता है? बीस्ट स्कैटर्स द चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, बीस्ट उनको ओप्रेस करता है। बीस्ट है क्या? बीस्ट एक पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक एंड सोशल स्ट्रक्चर है। पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोनॉमिक, सोशल किंगडम, एम्पायर जो इसराइलियों को दबाती थी, सताती थी, इसराइलियों को गुलाम बनाती थी और इसराइलियों को असीरी में ले जाती थी, कैप्टिविटी में, दूर देश में ले जाती थी। आपको मालूम यह श्राप था परमेश्वर का। परमेश्वर ने 28th चैप्टर ड्यूटरोनमी अपने घर में पढ़े, मैं लोगों को सिखाता हूं उसे स्मरण कर लें, मेमोराइज करें 28th चैप्टर ऑफ ड्यूटरोनमी, सो पावरफुल। व्यवस्था को मानने में, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में अनकैनी ब्लेसिंग्स हैं, ऐसी बरकतें हैं जिनको बयान नहीं किया जा सकता। और परमेश्वर की वाचा को तोड़ने, परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने और परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने, परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ के अन्य जाति के देवी देवताओं की उपासना करने से परमेश्वर का क्रोप, परमेश्वर का गुस्सा ऐसे भड़कता है कि परमेश्वर तलवार भेजता है, परमेश्वर अकाल भेजता है, परमेश्वर प्लेग भेजता है, मरी भेजता है, अभी जो चल रही है। मैंने आपको 2 साल पहले बताया था दोबारा आएगी। मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट नहीं हूं, कोई साइंटिस्ट नहीं हूं, बट आई हियर फ्रॉम हेवन एंड गॉड टोल्ड मी बिफोर इट केम कि आएगी, परमेश्वर का जजमेंट, परमेश्वर का न्याय आएगा। तो परमेश्वर क्या करता था? परमेश्वर इस जंतु को भेजता था इसराइलियों को, परमेश्वर कहता आई विल स्कैटर यू, मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा। परमेश्वर कहता है, गॉड सेज आई विल स्कैटर यू अमंग द नेशंस ऑफ द अर्थ, आई विल स्कैटर यू सो दैट द सोल ऑफ योर फुट विल नॉट फाइंड रेस्ट, आई विल मेक यू फ्यूजिटिव, यू विल बी रनिंग अराउंड एज वैगाबॉन्ड, तुम परदेशी बन के भटकते फिरोगे पृथ्वी की अलग अलग देश, पृथ्वी के अलग अलग कुल, पृथ्वी के अलग अलग राष्ट्र, पृथ्वी के अलग अलग मजहब के लोगों के बीच में, मैं तुम्हें दंड दूंगा। परमेश्वर आज भी ये दंड देता है। इज़किएल 14:21 पढ़ लीजिएगा भाई और बहनों, यिर्मयाह 14:17 पढ़ लीजिएगा। आपको मालूम बाइबल में 120 बार शब्द प्लेग आया है, प्लेग, मरी 120 बार आया है, और बाइबल में 70 आयतें हैं जो ये बताती हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं बाइबल में एक वर्ड है मगेपाह,
हिब्रू वर्ड मग्गेपा, जिसका क्या मतलब है, यहोवा अपने दूत को भेजता है, वो मारता है इस लोगों को ऐसी बीमारी से, ऐसी मरी से जो डॉक्टरों को, एपिडेमियोलॉजिस्टों को, साइंटिस्टों को समझ नहीं आती। गॉड किल्स पीपल, ये बाइबल बता रही है, समझ रहे हैं आप। और दूसरा हिब्रू वर्ड है द बेर, द बेर, द बेर क्या है, एक ऐसा डिजीज है जो विच विल वेस्ट ह्यूमन बॉडीज, नो क्योर, डॉक्टर विल नॉट बी एबल टू क्योर देम, इट इज कनेक्टेड विद डिवाइन एंगर ऑफ गॉड। तो मैं आपको बताना चाहता हूं ग्रीक भाषा में न्यू टेस्टामेंट में क्या क्या वर्ड है। न्यू टेस्टामेंट में पहला वर्ड है प्लागे, जहां से प्लेग वर्ड निकला है। प्लागे का मतलब मारना, परमेश्वर मारता है, दंड देता है, बीमारी भेज देता है। दूसरा हिब्रू ग्रीक वर्ड है पानुलखा, पानुलखा, जिसका मतलब परमेश्वर बीमारी भेज देता है अपने एंगर में, अपने क्रोध में। तीसरा ग्रीक वर्ड है ऑर्गीज, ऑर्गीज, प्लेग दैट अनलीशेस गॉड्स रॉथ, एक ऐसी प्लेग आती है जिसमें परमेश्वर का एंगर होता है। और चौथा वर्ड है थुमोस, आउट बस्ट ऑफ गॉड्स एंगर, परमेश्वर अपने क्रोध में बबाएं भेजता है। झूठे प्रचारक कह रहे हैं गॉड इज वेरी हैप्पी, गॉड इज वेरी डिलाइटेड, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस यू, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड द वर्ड ऑफ गॉड, कि ये घड़ी कौन सी है, ये समय कौन सा है, और परमेश्वर पृथ्वी पे क्या कर रहा है। तो परमेश्वर कहता है आई विल स्कैटर यू, क्यों तितर बितर हो रही है चर्चेस, क्यों बताइए, पूरी दुनिया में हो रही है, टूट रही है कई मिनिस्ट्रीज, कई सेवकों का न्याय कर रहा है परमेश्वर, कई मिनिस्ट्रीज जो करप्ट हैं, भ्रष्ट हैं, उनके ऊपर जजमेंट आ रही है। इट इज गॉड जजिंग, परमेश्वर ये काम कर रहा है। तो मैंने आपको बताता हूं बाइबल में आपको बहुत जगह वर्ड मिलेगा स्कैटर, प्रभु कहता आई विल स्कैटर यू, प्रभु कहता मैं तुम्हें तितर बितर कर दूंगा, तितर बितर कर दूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं स्कैटर के लिए ग्रीक वर्ड है स्कॉर्पिजो, SKORPAZO, स्कॉर्पिजो, स्कॉर्पिजो का मतलब स्कैटर करना। और वर्ब जो है वो है स्कॉर्पिया, स्कॉर्पियस, ये वर्ब फॉर्म में है। यहां से हमारा वर्ड निकलता है स्कॉर्पियन, SCORPION, जिसे हम बिच्छू कहते हैं, स्कॉर्पियन। तो हम पढ़ते हैं रेवलेशन चैप्टर नंबर 9 में, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय में, जब वो अबसूस खुलता है, वो बॉटमलेस पिट, जिसके विषय में मैंने आपको बताया, ए प्लेस ऑफ नो नॉलेज, जब परमेश्वर दंड देता है भाई और बहनों, ज्ञान छीन लेता है, बुद्धि और विवेक छीन लेता है, समझ नहीं रहती लोगों के पास, विजडम नहीं रहती, पीपल डोंट अंडरस्टैंड, पीपल लूज द एपेटाइट फॉर लर्निंग, पीपल लूज द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर यहोवा के भय का आत्मा लोगों को छोड़ जाता है, इसलिए बुद्धि छोड़ जाती है। जब दंड आता है कलीसियाओं पे, सेवकों पे, वो प्राउड हो जाते, एरगेंट, घमंड से क्यों भरता है व्यक्ति, क्योंकि अबसूसों का आत्मा काम करता है, अथाह कुंड की स्पिरिट काम करने लगती है लोगों में, और इधर दे आर पफ्ड अप, दे आर लिफ्टेड अप, दे बिकम एरोगेंट, दे आर ड्रिवन बाय प्राइड, डेविल इंस्टिल्स सच ग्रेट एटीट्यूड इन पीपल। बाइबल में लिखा है विनाश से पहले घमंड आता है, प्राइड विल कम बिफोर अ डिजास्टर इज कमिंग, when God has abandoned someone, he will send the spirit of pride. तो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर, God has abandoned mankind, Revelation 9 में, he is opening up the bottomless pit. आपको मालूम CERN, CERN, CERN जो वैज्ञानिकों की एक यूरोपियन संस्था है जिनेवा में, उन्होंने पृथ्वी को खोद के नीचे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ यूरोस इन्वेस्ट करके एक हाइड्रोन कोलाइडर बनाया था। वो बिल्डिंग ब्लॉक्स को पकड़ना चाहते थे जिनसे परमेश्वर ने दुनिया को रचाया, उन बिल्डिंग ब्लॉक्स को पकड़ना चाहते थे, वो प्रोटॉन, वो नैनो पार्टिकल कौन सा है जिससे दुनिया बनाई गई है, और वो चाहते थे टू बिकम क्रिएटर, कि हम खुद क्रिएटर बने। और उन्होंने फोटॉन्स को दौड़ाया,
लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। आपको मालूम वो क्या करना चाह रहे थे? गार्ड पार्टिकल ढूंढ के, वो दे वॉन्टेड टू ब्रेक द शील्ड, दे वॉन्टेड टू ब्रेक द कवर ऑफ द बॉटमलेस पिट। आपको मालूम है सर्न जो है उनका मैस्कॉट क्या है? नटराज ऐसे नाच रहा है, नटराज, और वो नटराज ही है जो बॉटमलेस पिट में है, जिसे वो आजाद करना चाहते हैं। कौन? ग्लोबलिस्ट, फ्री मेसनरी, इल्यूमिनाटी, शैतानी लोग ये काम करना चाह रहे थे साइंटिफिकली। आपको मालूम दे आर लुकिंग फॉर स्टारगेट्स सो दैट दे कैन ट्रेवल डिमेंशनली, दे कैन ब्रेक द लेयर्स इन विच गॉड हैज प्रिजर्व डिफरेंट डिमेंशंस। दिस इज अ मल्टी डिमेंशनल यूनिवर्स दैट गॉड क्रिएटेड एंड ही हैज सिक्योर्ड ईच डिमेंशन। हम आत्मा में डिमेंशनली ट्रेवल करते हैं। विज्ञान करना चाह रहा था। आपको मालूम एंड डेज में विज्ञान और जादूगरी दोनों का मेल होगा। ऐसे जेनेसिस चैप्टर नंबर 6 में साइंस एंड विचक्राफ्ट मर्ज टुगेदर, व्हेन दोज नफलीम्स वर बॉर्न, व्हेन दोज अय्यार्स वॉचर्स केम एंड दे मिंगल्ड देयर सीड विद वुमेन एंड प्रोड्यूस्ड अ हाइब्रिड जनरेशन, देयर ऑब्जेक्टिव वॉज टू ब्रेक ऑल दोज लेयर्स एंड ओपन अप द यूनिवर्स एंड दे वर blending alchemy, witchcraft, sorcery with science. वही एंड के दिन में होगा, यीशु मसीह कह रहे हैं। तो जो प्रभु कहता है मैं स्कैटर करूंगा, बीस्ट आएगा, जंतु स्कैटर करेगा, स्कॉर्पियन, स्कॉर्पिजो, स्कॉर्पियास, वो स्कैटर करेगा। और क्यों करेगा स्कैटर? क्योंकि उसका गुस्सा है। परमेश्वर ने इज़राइल को स्कैटर किया फॉर 70 years of exile in Babylon because God was angry. God allowed them take those pagan festival. वो 70 सालों में बाबुल से क्या लेकर आए? The worship of Baal and Grove, बालीमों की और पेड़ों की पूजा। वो लेकर आए पेड़ों की और आग की पूजा, आकाश के नक्षत्रों की पूजा, जो चर्च के अंदर क्रिसमस, गुड फ्राइडे और ईस्टर के रूप में मनाया जाता है। अभी मैंने सिर्फ फाउंडेशन ले की है। स्कॉर्पियन, स्कॉर्पिट्जो से हम आगे बढ़ेंगे, एक सेशन में और करूंगा। 2 o'clock, 2 बजे हम फिर मिलेंगे, एक सेशन फिर करेंगे और ये सीरीज चलेगी। मे बी 10-20 सेशंस वी विल हैव टू रियली अंडरस्टैंड पेगन फेस्टिवल एंड देयर रूट्स दैट आर इन बेबीलोन। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ शशि भाई के लिए, उसे बरकत देना। लीना डेविडसन को बरकत देना, विलियम गौरी को बरकत देना, सुरेश कुमार के ऊपर अपना हाथ रखना, चंद्रमोहन को बरकत देना, विपिन शर्मा को आपके खून में छिपाता हूँ, डेजी वीएस को आपके खून में छिपाता हूँ, सुरेश कुमार को अपनी आशीष के साय के नीचे रखना, प्रभु पास्टर चंद्र कुमार को ब्लेस करना, किरण कुमार जीतू को अपने लहू के नीचे छिपाना, बेन सिबराम को बरकत देना खुदावंद, हालेलुया। मुस्कान राजपूत पे आपका लहू छिड़कता हूँ। ब्रदर जेकब खोखर को खुदावन ब्लेस करे, जिसने बहुत बड़ा गिफ्ट बोया सेवकाई के लिए। लॉर्ड आई ब्लेस ब्रदर जेकब खोखर, मे यू गिव हिम इन रिटर्न 100-fold ऑफ दैट गिफ्ट दैट ही हैज प्लांटेड इनटू योर किंगडम। ब्लेस ब्रदर जेकब, ब्लेस हिज वाइफ, ब्लेस हिज चिल्ड्रन। लॉर्ड गिव हिम बैक 100-fold, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, hallelujah. Lord, I pray for Rahul Gideon and his wife. May your hand be upon them. Lord, I pray for Sohan Preet. I do not know why he's upset, but let your hand be upon Sohan Preet. Bless Ben Sibaran. Bless Brother Raman Kumar. Bless Brother Raman Khan. Bless Reena Khan and their daughter and their family, I pray. Lord, I pray in the mighty name of Jesus of Nazareth. Bless Neha Narula. Let your mighty hand be upon Neha Narula. Lord, I pray for Manisha Singhi, that your blessing would rest upon Manisha Singhi. May you bless Minu Sood, Lord. May you bless Sunita Keral James in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lord, I cover them all under your blood. Tere khoon ke saaye ke niche, Khudavan, tere in tamam logon ko main chipata hoon. Apne lahu ki oat mein rakhna, Khudavan. खुदावन मैं अपने आप को भी तेरे खून के साए के नीचे लाता हूँ, अपनी पत्नी रेनू को, बच्चों को, आदित्य, अभिषेक,
और आर्यान को तेरे लघु के साहित्य के नीचे लाता हूँ। अपनी मदर लीला रानी को, अश्विनी कुमार, उसकी पत्नी रूपा और उसके बेटे आशीष को, और जो दूसरा एक भाई इंग्लैंड में, उसको भी तेरे लघु के साहित्य के नीचे लाता हूँ। तेरी कृपा हो खुदावन हमारे जीवनों पे, तू हमें अपने राज्य के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना खुदावन। हालेलुया प्रभु, जो हम दूसरा सेशन करेंगे स्टडी का, उसके ऊपर भी तेरी बरकत हो यीशु मसीह। प्रभु जी हम भाई अभिषेक को फिर याद करते हैं, अभिषेक मोहन को, भाई अब्दुल रहमान को याद करते हैं, आपके आगे लेकर आते हैं, ब्रदर ललित मेहरा को और सिस्टर नीलम को, और प्रभु जी दोनों बच्चों को तेरे लहू के साए के नीचे लाते हैं, उनके इन लॉज को तेरे लहू के साए के नीचे लाते हैं, ब्रदर प्रकाश भारती को, उनके खानदान को, खास करके उनकी बेटी और बेटे के ऊपर तेरी आशीष हो, तेरे अनुग्रह का हाथ हो खुदावन। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ राजेश जी के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं एम्स के, तेरा हाथ उनके ऊपर हो, वीर सिंह के ऊपर हो, वीर सिंह की पत्नी पे, उनकी बहू पे, उनके घर के ऊपर तेरी आत्मा का साया हो प्रभु, ये प्रार्थना मैं करता हूँ। मैं चंचल के लिए प्रार्थना करता हूँ, तेरे खून में छिपाता हूँ प्रभु चंचल को, ब्रदर आमिया बिंदु गुप्ता को, उनके घराने को बरकत देना खुदावंद यीशु मसीह, अपने पवित्र खून में छिपाना, रतन प्रकाश जी को, उनके बेटे मनीष को, उनकी बेटी कोमल को, उनकी बेटी जो दूसरी दो बेटियां, उनको भी खुदावन तेरे लहू के साए के नीचे लेकर आता हूँ, तेरी आशीष से भरना खुदावन, बरकत देना खुदावंद। हम तेरे आगे उठाते हैं प्रभु जी जो कुतुब हाइट के वो भाई हैं खुदावंद, उनको तेरे लहू में छिपाता हूँ, उनके लिए आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के जलाली नाम में। हालेलुया प्रभु, दिल्ली में तेरा अद्भुत काम हो, शिमला की कलीसिया में तेरा अद्भुत काम हो, तेरे खून के साए के नीचे तेरे लोगों को लेके आता हूँ, साजन हंस को तेरे लहू के साए के नीचे लाता हूँ खुदावंद, तेरा पवित्र आत्मा कसरत से काम करे प्रभु, तेरे सच्चे कलाम को सीखने वाले, तेरे सच्चे कलाम से जुड़ने वाले, तेरे सच्चे कलाम का प्रचार करने वाले लोगों को खड़ा करना प्रभु, बंसल फैमिली को अपने लहू में छिपाना, जो भाई शिमला में लकड़ी का वुडन काम करते हैं प्रभु, उन पे उनके कारोबार के ऊपर तेरी आशीष को मैं खोलता हूँ खुदावन, तेरी बरकत हो, तेरे लहू की जय जयकार हो प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा करते हैं यीशु मसीह के वसीला से, इस दुआ को हम मांगते हैं आमीन। 2 बजे प्लीज जुड़िएगा, हम इस स्टडी को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। 2 o'clock we'll have second session, यीशु मसीह के नाम में जय मसीह।